पांचर सिंदरी से आ रही है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि आज एक हादसा हो चुका है जिसके अंतर्गत ट्रक के आगे गौवंश आ जाने से उसने अचानक से ब्रेक लगाया और पीछे से आ रही बस उसमें जा घुसी, जिसके चलते हुए इसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना सामने आ रही है। तो देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रक के सामने अचानक गौवंश आने के कारण गौवंश को बचाने के प्रयास में ट्रक चालक ने ब्रेक लगाए, जिससे पीछे आ रही रोडवेज बस ट्रक से टकरा करके दुर्घटनाग्रस्त हो गई। साथ ही रोडवेज बस में सवार यात्रियों में से लगभग एक दर्जन से अधिक यात्री दुर्घटना में घायल हो गए हैं और घायलों को जीवीके एम्बुलेंस की सहायता से राजकीय यज्ञ नारायण अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक यात्री की हालत बताई जा रही है गंभीर, तो वहीं बांदर सिंदरी थाना पुलिस सूचना पाकर के मौके पर पहुंची, साथ ही घायलों को अस्पताल के लिए भिजवाया व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को क्रेन की सहायता से बांदर सिंदरी थाना ला करके खड़ा करवाया है। सीओ ग्रामीण गोपाल सिंह भाटी भी मौके पर पहुंचे और दुर्घटना की जानकारी ली। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए फिलहाल इतना ही, बने रहिए न्यूज़19 के साथ। नमस्कार।